of sixth class. As you all know, we are getting to our second chapter. Discrimination के बारे में हम जान रहे थे. आज हमारा new topic है equality and measures taken to remove discrimination. Discrimination को हटाने के लिए और equality को लाने के लिए क्या क्या steps उठाए गए. Discrimination बहुत ही गलत चीज़ है जो कि क्या है, एक unfair, unjust part है अपने इंडिया का. डिस्क्रिमिनेशन हमने आज़ादी तो पा ली ब्रिटिश जैसे गुलामी से तो हम छूट गए, बट हमारे से क्या हुआ कि हमें ना डिस्क्रिमिनेशन की भावना जाग गई. तो हमें इससे भी अपने देश को आज़ाद कराना है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बहुत अच्छे हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ताकि हम लोग इन सब से ऊपर आ सके. उन्होंने क्या बोला कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर. ये आप समझ गए होंगे कितनी बार मैंने रिपीट किया है. There shall not be any restriction for people to visit any public places. ऐसी कोई भी restriction नहीं होनी चाहिए लोगों के बीच कि वो temples नहीं जा सकते, park, museum, ये सब के लिए खुला होना चाहिए. इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. People just to free to practice their religion. लोगों को अपना जो भी caste है उसका काम करने के लिए, बोलने के लिए अपनी language, कोई fear नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेधड़क बोलना. बहुत सारे इंडिया में लीडर्स थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट किया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ताकि हमें डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी से आज़ादी पा सके, बट ऐसा नहीं हो पाया. अभी तक हमारे देश में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन है, जिससे क्या हो रहा है, हम एक साथ नहीं हो पा रहे. और हमें वी मस्ट टुगेदर वर्क हार्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर सोसाइटी ऑन द फाउंडेशन लेड बाय अवर लीडर्स. जैसे हमारे लीडर्स के जैसे उनकी विचारधारा थी उस पर चल कर हमें अपनी सोसाइटी को स्ट्रांग बनाना होगा. इसके लिए हमें सबको एक साथ होना पड़ेगा. अब आपको एक्सरसाइज बताती हैं, लेट्स ट्राई थ्री. फर्स्ट है व्हाट इज कास्ट सिस्टम. तो कास्ट क्या होती है, कास्ट सिस्टम. हियर इज योर आंसर. मैनी ईयर्स बैक पीपल इन अवर कंट्री वर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन काइंड ऑफ वर्क दे डिड. पहले क्या होता था कि जैसे लोग को जो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, उन्हें बांट दिया जाता था कि ये ऐसे लोग हैं, ये इस समुदाय के, इस समुदाय के. इसी से क्या हुआ कि अलग अलग कास्ट हो गई, अलग अलग काम से, कि ये वाला काम जो है ये गरीबों वाला काम शूद्रास करेंगे, ब्राह्मण वाला काम ब्राह्मण्स करेंगे, ये वाले काम से कास्टिज्म आया है. ठीक है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लोअर एंड अपर कास्ट. पूछ रहा है आपसे अपर और लोअर कास्ट क्या होती है. तो कुछ टाइम तब बहुत था तो ऐसे लोग थे जो कुछ टाइम को बहुत अच्छा समझते थे कुछ काम को, और कुछ काम को बहुत बेकार समझते थे. जैसे कि रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स और अनलिटरेट मटेरियल्स वर कंसीडर्ड सुपीरियर टू द वर्क लाइक कटिंग हेयर एंड क्लीनिंग होम. घर की सफाई करने वाला, बाल काटने वाला नाई, इन सबसे ज़्यादा महत्व काम समझते थे वो जो बुक्स जो आप पढ़ते हो, होली किताब से जो रहती है, रामायण, इन सबको छापने वाला, इन सबको लिखने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है. This resulted in the respective. इससे क्या हुआ कि जो ये वाला काम करता है उन्हें अपर कास्ट मिल दी गई, और ये जो बेचारे गरीब लोग ये वाला काम करते थे उन्हें लोअर कास्ट मिलती गई. अब आपसे पूछ रहा है what are the steps taken in our country against discrimination? Discrimination के against हमारी कंट्री ने क्या, सो भेदभाव को हटाने के लिए हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट सबको देने का वादा किया गया. और क्या किया गया, देयर शिल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जो मैंने अभी आपको समझाया. ये जो तीन लॉ थे जो वही लिखेंगे आप लोग. ठीक है. अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे आपसे पूछ रहे हैं कि रीड तरुणम स्टोरीज एज गिव अस, लेट्स फाइंड आउट इन कोर्स बुक इफ यू वुड यू कुड री राइट हर स्टोरी वंस अगेन, हाउ कुड यू राइट इट इन द नोटबुक इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट एज गिवन बिलो. ठीक है. तो आपको क्या बोल रहा है, आपको तरन्नुम की स्टोरी लिखनी है. तरन्नुम आपको पता है वो वाली स्टोरी है जो लड़की की शादी हो जाती है और उसका सपना पूरा नहीं हो पाता, वो डॉक्टर बनना चाहती थी. तो इस स्टोरी को आप अगर लिखेंगे तो अपने वे में कैसे लिखेंगे, उसका क्या एंडिंग होगी, तो ये आप लिख के खुद भेजेंगे. डू यू थिंक कास्ट सिस्टम वॉज अ गुड सिस्टम टू बी प्रैक्टिस इन अवर कंट्री, सपोर्ट योर आंसर्स विद रीजन. क्या आपको लगता है कि जो कास्ट सिस्टम है वो सही है, और अगर लगता है तो उसके रीज़न दो, और नहीं लगता है तो उसके भी रीजन्स दो, आपको लगता है क्यों नहीं है. ठीक. आपका चैप्टर यही फिनिश होता है. लेट्स रिमेंबर, मैं आपको लास्ट में मैं पूरा रिवाइज करा देती हूँ. डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंसेस, आपको पता है डाइवर्सिटीज को ही डिफरेंस बोलते हैं, तो आपको समझ में आ गया. प्रेजुडाइज, जो कुछ लोगों को लेकर गलत मानसिकता बना लेते हैं, अपने में विचारधारा बना लेते हैं, पूरी जानकारी के बिना लोगों को गलत से गलत बोलने लग जाते हैं और उसको कहावती रूप में हमेशा फिर चलाते हैं, तो वो प्रेजुडाइज. फिर स्टीरियोटाइप्स वही घिसी पिटी सोच यानी कि वही, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जो कुछ पर्सन्स के द्वारा बनाई जाती है.
डिस्क्रिमिनेशन, जो लोग लोगों को अपॉर्चुनिटी और ट्रीटिंग अनइक्वल दैम, ठीक है, उन लोग को अलग अलग भेदभाव करना। फिर ये आपको बियॉन्ड द बॉर्डर्स करके बहुत अच्छा पोर्शन दिया है। रोसा पार्क्स, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट रोसा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन हु वर्कड इन मोंटगोमरी। हर द लॉस डिड नॉट फ्लेवर द ब्लैक अमेरिकन्स। आपको पता है अमेरिका में अभी अभी एक मुद्दा उठा था कि एक पुलिस वाले ने एक ब्लैक आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अभी भी अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका में क्या हुआ था कि जैसे अपन इंडिया वाले जो ब्रिटिश के गुलाम थे, वैसे अमेरिका में अभी भी है ऐसा कि अफ्रीकन्स को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये रोसा पार्क्स कौन थी, एक अमेरिका में रहने वाली अफ्रीकन, यानी अफ्रीका से आकर वो लोग अमेरिका में बसे हैं, जिसलिए उनको अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती थी, वो वहाँ रहकर एक इन ऐसे लोगों की खिलाफ आवाज़ उठाती थी जो इन लोग ब्लैक पीपल्स के साथ गलत करते थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाती थी। जो उनके साथ अनफेयर होता था वो दुनिया को दिखाती थी कि देखो ये हमारे साथ कितना अनफेयर करते थे। दिस जजमेंट ऑफ द कोर्ट वॉज चैलेंज बाय द अफ्रीकन अमेरिकन्स ऑल टू कम इन टू स्ट्रीट, दे बॉयकॉट द मॉनिटरी बसेस दैट हैड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉस इन द सिटी ऑफ मोंटगोमरी। यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार का इंसिडेंट बता रहा था कि जब इमरजेंसी थी तब वहाँ पर सीट्स जो थी सिर्फ वाइट्स के लिए प्रोवाइड की गई, ठीक है, 1955 की बात है ये। तो रोसा ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो सीट जो टू अ वाइट पैसेंजर, इट वॉज कंसिडर्ड अ क्राइम, शी वॉज अरेस्टेड फाइन फॉर हर। रोसा क्या करी, रोसा ने इसका अपोज कर दिया और जाकर उस बस में जाके बैठ गई जो कि सिर्फ वाइट्स के लिए है, ठीक है। तो उन लोगों ने इसको क्राइम करके उसको अरेस्ट कर लिया, उसको अरेस्ट करके डाल दिया जेल में। तो फिर इस चीज़ को पूरे जितने भी अमेरिका में अफ्रीकन लोग रहते थे उन सब ने मिलकर उस बस को बॉयकॉट किए और उनके लॉ में फिर ये बात लाई गई कि ब्लैक अमेरिकन्स वॉन द वॉर अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने ये वाली वॉर जीती और उनके लॉ में आज उनको इक्वल राइट्स दिया जाता है। तो ये था बेटा आपका लोग का आज का चैप्टर्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, होमवर्क्स जल्दी सेंड करेंगे सब लोग।